नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें आपने जो मास कॉम के मास्टर के स्टूडेंट हैं उनसे बात करी, बट अभी हमारे साथ कुछ बैचलर के स्टूडेंट हैं, इनसे हम जानते हैं, बात करते हैं कि ये पत्रकारिता के बारे में कितना जानते हैं, कैसे इनका इंटरेस्ट आया और भी ढेर सारी बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ जाते हैं, आपका नाम क्या है? ईशा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार मधुबनी से हूँ। आप? सिया रावत। कहाँ से हैं? कोटद्वार उत्तराखंड। कृष्णा, गाजियाबाद। गाजियाबाद से। आप? ज्योति, बिहार से, भोजपुर जिला। ओके। मुस्कान, झारखंड से। मून राय, उत्तर प्रदेश। विशाल कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो यूपी, झारखंड और उत्तराखंड का मिक्सर है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप इस उत्तराखंड में आए तो यहाँ का वातावरण कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा प्योर है और मतलब पूरी ग्रीनरी है यहाँ, हरा भरा है, बहुत बहुत सुंदर है, लाइक एकदम हैवन इसको सच में कहा गया है। आप तो यहीं के ही हैं, आपका क्या कहना है? यहाँ मतलब श्रीनगर में क्लीन एनवायरनमेंट है, काफ़ी क्लीन है, मतलब नदियाँ भी हैं, ठंडा पानी भी अच्छा, मतलब साफ़ पानी भी आता है और हाँ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है और यहाँ पे काफ़ी शांति रहती है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा उत्तर प्रदेश से यहाँ, बिहार से यहाँ? बिहार से यहाँ अच्छा लगा और ख़ास करके यहाँ पे थोड़ी शांति है, बहुत शांति है यहाँ। तो यहाँ शांति है और पढ़ने का इलाका है, माहौल पढ़ना शांत में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो झारखंड से यहाँ मन लग रहा है उत्तराखंड में? हाँ लग रहा है। आपका? काफ़ी यहाँ पे मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट है, प्लस आपका जैसे टॉप टायर सिटीज़ हो गई उसमें उनका मतलब पूरा नाइट लाइफ और सब कुछ काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पे टाइम से बंद होती है सिटी, टाइम से खुलती है सुबह, मतलब आपका जो भी शेड्यूल है, आपका कॉलेज हो गया, जॉब हो गया, तो काफ़ी सही है। मतलब यहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ है, जैसे हम अपने यहाँ रहते थे तो बहुत पॉल्यूशन रहती थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहाड़ों के बीच में एक यूनिवर्सिटी बनाना बहुत अद्भुत बात है। अच्छा, जो आप लोगों ने ये कोर्स चुना है पत्रकारिता का, तो ये कोर्स क्यों चुना आप लोगों ने? कैसे आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया? कोर्स चुना क्योंकि मुझे मतलब लाइक बेझिझक होके अपनी बातें रखना मुझे बहुत पसंद है, लाइक किसी के दबाव में ना आके अपनी बातें खुलेआम रखना। और फिर मुझे इंस्पिरेशन मिला जैसे न्यूज़ चैनल में, जैसे स्वेता सिंह वो भी बिहार से हैं, अंजना ओम कश्यप हो गया वो भी बिहार से, उनको ऐसे देख के लाइक कॉन्फिडेंटली और आज वो जहाँ जिस मुकाम पर हैं उनको ऐसे देख के तो मुझे लगा कि जब ये हमारे शहर से होके वहाँ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे एंकरिंग का ज़्यादा अच्छा मतलब वो है, मुझे एंकरिंग करना पसंद है, मतलब कैमरे के सामने आके रिपोर्टिंग करना या और चीज़ों को बताना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये कोर्स चुना है। आपने? मुझे फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो इसलिए मैंने कोर्स चुना है। और इस तरफ चलते हैं, आपको कैसे इंटरेस्ट आया इसमें? मेरे को पब्लिक स्पीकिंग एंड वीडियो एडिट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस कोर्स को चुना एंड फ्यूचर में मैंने सोचूंगी कि रिपोर्टर बनूं। मुझे न्यूज़ एंकर बनना है, इसीलिए मैंने जर्नलिज्म चुना। बेसिकली मेरा हमेशा से अप्रोच रहा है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और विमेन्स का मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली विमेन का जो भी आप कोई भी मतलब हिस्ट्री अभी प्रेजेंट सिचुएशंस कुछ भी लेके देखें उसको लेके अवेयरनेस फैलाना, हर मतलब ग्राउंड रियलिटी एक टर्म होता है, हर तरह की औरत को आप उस बात का अवेयरनेस दें तो वो मतलब कोई विमेन बेटर कर पाएगी, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किया। तो आप चाह रही हैं कि आप वुमेन वॉइस बने? एग्जैक्टली। आपको क्यों पसंद है, क्या मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे को एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को समाज में आके बोलना, खुल के बोलने का मौका मिलता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे एस ए कॉम्पटिशन या फिर स्पीच कॉम्पटिशन, डिबेट कॉम्पटिशन का मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और उसमें मैं अपने स्टेट के प्रति बहुत से प्राइज़ भी जीते हैं। जी, जैसे जब कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है तो सबसे पहले YouTube पर सर्च करता है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, कैंपस कैसा है, तो जो आपके जूनियर सब नेक्स्ट ईयर आएंगे उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे और ये डिपार्टमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है? डिपार्टमेंट तो बहुत बढ़िया है, लाइक जैसे यहाँ क्लीननेस मेंटेन रखा जाता है, हमारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हैं, टाइम से आते हैं, हमें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, जैसे यहाँ पे सेमिनार हॉल हो गया, लैब है, हर चीज़ों पे हमें पूरा कमांड रखा जाता है और हमें सही तरीके से गाइडेंस दिया जाता है। और जितनी भी इक्विपमेंट्स हो गई जैसे कैमराज हो गए, बहुत अच्छे अच्छे तरीके यहाँ अवेलेबल हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो बाहर, अपनी एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल है। आपको कैसा लगा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लैब्स हैं, जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, मल्टीमीडिया लैब हो गया, फोटो गैलरीज वगैरह, यहाँ सेमिनार्स भी होते हैं, हमारे हर सैटरडे सेमिनार होते हैं और ऑडियंस हॉल भी है और हमारी क्लासेस भी रेगुलर चलती है, इसलिए अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे?
और काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कैमरेज हैं जिससे हम अच्छे से फ़ोटो खींच सकते हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनसे हटके? कुछ यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लगभग सब कुछ। आपका कुछ कुछ अलग से कुछ? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, अगर हमारा एक भी दिन कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है तो वो हमें अगला दिन रिपीट करके समझा देते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, आप लोग फ्यूचर में कैसे पत्रकार बनना चाहते हैं, या कोई आपका आइडल है या कुछ क्वालिटीज़ आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हों? मेरी आइडल तो अंजना ओम कश्यप है, नो डाउट, और मैं उनकी जैसे सेम एज अ कॉन्फिडेंट, फियरलेस और यू नो वुमेन एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करने वाली वो वैसी बनना चाहती हूँ। लाइक आप? आइडियल तो कोई नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मैं खुद ही एक आइडियल बनूँ बाद में जाके, मतलब एंकरिंग करना अच्छा लगता है तो मैं चाहती हूँ कि टीवी के सामने मैं एक अच्छी बेस्ट एंकर बन के निकलूँ। और मैं एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप एक फोटोग्राफर बनना चाहती हैं? उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि मैं स्वयं मैं अपनी आइडल बनना चाहती हूँ। आपका क्या कहना है? अब उस बात को कॉपी मत करना हो। चित्रा त्रिपाठी। आपकी? श्वेता शर्मा। एग्जैक्टली तो कोई आइडल नहीं है, बट हाँ मुझे मतलब बेसिक मेरा एक मोटिव है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, आई फाइंड इट डिफरेंट, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ और उनको इन्फ्लुएंस कर। तो अभी हम लोगों ने आपसे काफ़ी सारी बातें की पत्रकारिता के बारे में और आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बट जो कि हम वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे पत्रकारिता के बारे में? पत्रकारिता के बारे में यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग फील्ड है, और मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना कि जैसे जो इसे मुझे अपनी बातें कॉन्फिडेंटली कहना, लाइक बेझिझक कहना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वैसे स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि आप आओ, ज्वाइन करो, यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब बहुत पीसफुल और पढ़ने वाला है, और आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हो चीज़ें, लाइक लोगों से जाके लिटरली बात कर सकते हो कि, और आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी गेन कर सकते हो। सो उन्हें ज़रूर आना चाहिए एक बार। जी, आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आपको एक पीस एनवायरनमेंट मिलेगा अपनी पढ़ाई करने के लिए, पूरे अच्छे से टीचर्स सपोर्ट करेंगे, प्रोफेसर सपोर्ट करेंगे हम सबको, तो हम यहाँ आ सकते हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बाकी सबको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, बाकी क्योंकि हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के नेचर में रहते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है और आ सकते हो। हमारे बाद जो भी स्टूडेंट आएंगे, हम उनसे यही करना चाहेंगे कि आप आओ इस यूनिवर्सिटी में, एडमिशन लो, और यहाँ पर एक शांति वातावरण, मुझे ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और भी सारे फैसिलिटी हैं, बहुत बेटर हैं। जर्नलिज्म एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आप पढ़ाई सिर्फ करके, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो इसके बाद भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो और यहाँ पढ़ने का भी बहुत अच्छा माहौल है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। एग्जैक्टली अगर मतलब आप किसी भी बच्चे का ये क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है, प्लस उनको प्रोफेशनल भी अपना मतलब साइड देखना है, बैलेंस करना है, तो दिस इज़ अ वेरी लाइक गुड फील्ड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और इसके बाद भी अंदर बहुत फील्ड है, मतलब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लोर करिए, आपको पता चलता जाएगा, प्लस आपकी फैकल्टीज़ इतनी सपोर्टिव अगर मतलब मिल जाती हैं, या जो भी मतलब सपोर्ट रहता है, तो आप खुद ही मतलब समझ जाएंगे ईयर बाय ईयर कि आपको आगे क्या करना है, तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ऑब्वियसली मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, आप बहुत सही है। यहाँ पे बहुत सारे जैसे मास मीडिया में आने के बाद हमें यहाँ पे फील्ड होते हैं अदर फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, ड्रामा मीडिया, एडिटर मीडिया हो गया, या फिर ड्रामा मीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट मीडिया हो गया, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक ड्रामा में भी हैं 12th के बाद, तो आप यहाँ पे आके मास मीडिया के थ्रू आप ड्रामा मीडिया में भी जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट मीडिया में। तो साथियों, ये थे हमारे साथ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स, इनसे हमने काफ़ी सारी बात करी मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं मुझे भी तुम लोग के साथ बात करके अफसोस हो रहा है कि काश मैंने भी मास कम्युनिकेशन कर लिया होता, लेकिन अब समय थोड़ा इस तरह के विपरीत है समय। तो साथियों, इसी तरह से लगातार मैं आपका यूनिवर्सिटी की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।